गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया की दुनिया में। और कैसे हो आप सभी मुझे कमेंट में बताना। और ये देखो, मैं सबसे पहले आप सभी को क्यों दिखा रही हूँ इन्वर्टर, क्योंकि बहुत दिन से इसकी बैटरी खराब थी। लोगों से मैंने कई बार बोला भी है कि इन्वर्टर की बैटरी खराब है मेरी। जब भी मैं लाइव आती हूँ, कई बार मेरी मतलब अंधेरा रहता है, लाइट कटी हुई होती है, तो मैंने बताया भी था। तो बहुत दिन से मतलब नहीं हो पा रहा था, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे लिए ये मतलब आप सभी के लिए तो नहीं है लेकिन मेरे लिए बड़ा अमाउंट है कि इकट्ठा करना जो है ये 12-13 हज़ार रुपये, और इसके बाद नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने ये कर लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती थी मेरे बाबू को, जो बीच में कोई काम कर रहा है, जैसे अपना पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, लाइट चली गई तो दिक्कत होती थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मैंने इसको कर लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और खुशी ज़्यादा इसलिए हो रही है कि मैंने खुद किया है ये चीज़, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों की वजह से ये छोटी छोटी खुशियाँ मुझे मिलती हैं, जिससे मतलब मैं कुछ बच्चे के लिए कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिल से शुक्रिया है आप सभी को कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है। तो बस आप लोगों को शुक्रिया ही बोलूँगी, और क्या बोल सकती हूँ मैं। इतना आदमी लगा होता है इन्वर्टर देख रहा है। सब लोग मिलके हमारे मित्र जो हैं उनके यहाँ इन्वर्टर लगवाने की व्यवस्था हो जा रही है। और आप लोग एकदम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमन का ना बहुत दिन से मेरे से बोल रहे थे कि मम्मा मुझे जो है बाहर खाना खाना है और मैं अभी तक नहीं गया हूँ, तो इसलिए आज इनका जो है ये भी पूरा कर ही देते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आज इनको बाहर खाना खिलाएंगे, वही ये बता रहे थे। और बहुत ज़्यादा खुश थे नमन, और बच्चा खुश होता है तो खुद भी खुशी मिलती है और एक अलग सी खुशी आती है ना। बच्चों के लिए जो है सब किया जाता है, इतनी मेहनत की जाती है बच्चों के लिए, और जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे कि मैं कुछ कर पाती हूँ नमन के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रात का मौसम है ना, तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत दूर नहीं गए थे हम, पास में ही गए थे, और मुझे उतना याद नहीं है इसका नाम, हम नहीं मुझे याद है, आप देख सकते हैं, नाम मैं नहीं लूँगी। मन घर से बोल के गए थे कि मेनू देखूँगा मैं, तो इन्होंने कढ़ाई पनीर बोली थी खाने के लिए, चावल रोटी, और इसके बाद वो क्या कहते हैं, इन्होंने केक लिया था, क्योंकि इनको ये मार्केट जाए और केक ना लें तो इनका मतलब पूरा ही नहीं हुआ। चाहे ये एक पीस ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं लेकिन केक ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ देखो आराम से खा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं कुछ कर पाती हूँ कि हाँ नमन को जो चाहिए होता है वो मैं कर पाती हूँ। ये रहा नमन का केक, बड़ा ही प्यारा सा, इनको खास करके चॉकलेट वाला केक बहुत अच्छा लगता है, और हमारे यहाँ बर्थडे पर केक नहीं कटता है। तो ये मेरे से बोल भी रहे थे कि मम्मा मैं मेरे बर्थडे पे आप केक नहीं लाती हो, तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई। आज इन्होंने बोला कि मुझे केक चाहिए, मैंने कहा ले लो जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो, तो इन्होंने यही पसंद किया था, तो इसलिए इसी को लेके आए थे। और खाना तो खा के आए थे लेकिन इनको तसल्ली कहाँ, इनको केक खानी है, तो मैंने कहा चलो काट देते हैं खा लो। तो इन्होंने कहा मम्मा चाहे एक पीस मुझे दे दो, मैं छोटू सा दे दो, मैं बिना खाए मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं वही हंस रही थी कि इसको मतलब ये ना सबसे जान लो कि नमन को मतलब केक बहुत ही प्रिय है, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे कितना भी खिला दो तो केक से इनका मन नहीं भरता है, तो इसलिए ले आए हैं और फ्रिज में रख देंगे अपना, ये अपना खाते रहेंगे, यही खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे कि जब मैं कुछ कर पाती हूँ कि चलो बच्चे के लिए कुछ किया गया, तो बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहे जो मतलब माँ हो तो उनको बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो वही मैंने कहा लो खा लो, तो कह रहा है मैं जो कैमरा बंद करूँगा तब और जो है तभी खा पाऊँगा। तो आज छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा।